एवरीवन, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग देख रहे हैं नरेश एंगेड ब्लॉग्स। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, नरेश एंगेड 743। काफ़ी अच्छा महल है और आपको मैं महल कम्प्लीटली दिखाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा महल है, आप ब्लॉग के अंत तक ऐसे बने रहे। दीदी हेलो कर दो पहले तो। हेलो दीदी, अपना नाम बताओ। अंजू अग्रवाल। आज है ना मोदी, और आज है ना मैं फिर से इसी गढ़ में आ गया हूँ जिसमें आप लोगों ने इतना प्यार दिया था मेरे को, है ना। और उन्हीं रानी साहिबा से मैं फिर से मिलवाऊँगा आपको। थोड़ा गड़बड़ देख लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए, पुराना यादें भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अभी गढ़ की सफाई चल रही है ना, तो रानी साहब ना उनसे भी मिलवाऊँगा। अभी भी वही प्यार वही सम्मान। और मेरे को तो देखते जान गए थे वैसे भी, तो हाँ, और वही जुनून है ना उनकी बातों में जो पहले हुआ करता था। तो ये देख लो आप, ये पीछे दीदी वो जो उधर वाला बंद था ना, शायद उस वो ही होगा ये शायद, है ना। तो ये देख लो आप, ये गड्ढे और उसके अंदर है नीचे आगे मधुमक्खी का महल, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, कंवर पक्ष का महल है। और हाँ नीचे नहीं जाएंगे, हाँ पता है। और इस तरह से देखो आप, यहाँ सफाई की जा रही है अभी दीदी। हाँ हाँ चिपकने वाली, उसको क्या बोलते हैं दीदी को भी कुछ। ये दीदी गुजरात से हैं और आज ये भी आई है ना। तो आप देख लो यहाँ पता साफ सफाई चल रही है, इसका मतलब कुछ ग्रो होने वाला है यहाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये देखो आप, ये खिड़कियाँ दरवाजे इस तरह से देखो आप। ये मैं शुरू से यही देखना चाहता था और यही खड़ा होना चाहता था मैं दीदी शुरू से। अच्छा मैं यही देखना चाहता था, क्योंकि मैं ना वो सामने हमारी स्कूल थी रावत स्कूल, वो सामने दिख रही है ना, तो मैं वहाँ अच्छा से देखता था। नरसिंह का मंदिर, खंडेला हाँ, मंदिर। हाँ वो नरसिंह मंदिर, उसका मैंने ब्लॉग डाल दिया है तो आप लोग जरूर देखना उसको, है ना। और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में हम लोग जरूर रानी साहिबा से पूछने वाले हैं, तो आप यहाँ से देख लो ये झरोके हैं। और अभी हम लोग वाला है ना व्यू देखना चाहता था, वहाँ से मैं खड़ा होता था ना तो मेरे को यही देखना था कि मैं ना जब भी जाऊँ तो यहाँ एक बार जरूर जाके आऊँ। ये देख लो अभी आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि इस मतलब महल को है ना रिकव वो करनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं फिर से तैयार करना चाहिए। ये विश्राम भवन है और इस तरह से देख लो ये महल के अंदर छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं भाई, इस तरह से इसके अंदर थोड़ा अंधेरा सा है। दीदी देखो क्या है, ये मेरे को ऐसा लगता है कुछ ड्रेसिंग टाइप्स में होगी। हाँ वो ही है दीदी, देखो इनके पहले पहले के टाइम है ना। हाँ ड्रेसिंग टेबल है, राजा महाराजाओं की ड्रेसिंग टेबल है पहले वाली, तो आप देख सकते हो भाई। मैं भी जहांगीर हूँ और मेरे को भी ऐसी तो बनानी नहीं आती, फिर भी देख सकते हो आप। अभी तो ये थोड़े जाम वाम हो चुके हैं, लेकिन ये देखो डिजाइंस वगैरह देखो आप कितनी अच्छी लगती है, मेरे को ऐसी डिजाइंस काफ़ी अच्छी लगती है। जब मैं पिछली बार लोग तो वही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक्स कमेंट जरूर करना। अभी मैं आपको ऐसे ये देखो नारायण सिंह निवास, इस तरह से सभी भवन के ऊपर और जो रूम्स है उनके बाहर ये शिलालेख से लगी हुई है ना। और दीदी आपने अभी ये नहीं घूमा महल, ये सभा दीदी वो सभा हम लोग ऊपर से दिखा रहे थे पिछली बार जब राजा जी की सभा चलती थी, तो ये देख सकते हो सभा महल देख लो आप। और यहाँ के ये देखो जो हम लोग पोल बोलते हैं पिल्लर बोलते हैं, इनकी डिजाइंस देखो आप, ये सब मार्बल्स ये सब पत्थर में डिजाइन की हुई है देखो आप। ये देख लो आप, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ के। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, काफ़ी अच्छा होता होगा ना दीदी, यहाँ ऊपर से रानियाँ देखती होंगी और सब होती थी पहले के टाइम। मोर पंख काफ़ी अच्छी डिजाइन से बनाई हुई है ना।
और सफाई भी चल रही है इसकी, इस गाड़ी की। अभी रास्ता ध्यान में रखना मुझे भी। ये देखो दीदी, सागवान की देखो, हाँ ये खिड़की है ना सागवान की, उस टाइम की सागवान से देखो वैसी की वैसे ये नहीं सब क्या थे ना वो, पता है कौन सी है, ये वाली है। हाँ यहाँ से गणगौर यहाँ रानी आती है ना, तब से गणगौर निकलते हैं, ये देखो आप है ना। और यहाँ अभी मौसम देखो कितना शानदार है। किधर कैसे सब बंद, हाँ पता है मुझे। तो ये डिजाइन्स वगैरह देख लो, मेरे को है ना ये देखने अच्छा लगता है, मतलब कि जो महल हुए। और हम लोग तो उन्हीं के पास जा रहे हैं। ये देख लो आप, मैं आपको अभी रानी जी से मिलवाने चाहता हूँ, और चलो उनके पास चलते हैं। और भाई मेरे ब्लॉग को ना आप लोग निकालते हो, फिर उसके बाद में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करते हो, उसके लिए यार आप लोग, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, और तो यार आप भी थोड़ी मेहनत कर लिया करो है ना। आप खुद भी ब्लॉग बनाओ, फिर अपने चैनल पे खुद शेयर करो। ऐसे थोड़ी होता है कि बस मेरा ब्लॉग देख लिया, मेरे ब्लॉग को निकाल लिया। और ये हमारी खंडेला की रानी सा है। और रानी जी ये बताओ, आप कब कब आते हो खंडेला, और कितने कितने साल हो गए यहाँ की गणगौर को निकालते हुए? रानी जी कुछ बताओ। ये तो पहले जमाने के बहुत सालों से निकल रही है गणगौर, तो मार दादा भी हाथी से निकल रही है। और मेरे आने के बाद तो 23 साल तो मेरे को भी हो गए निकालते गणगौर को। हाँ गणगौर निकालते 23 साल मेरे को भी हो गए। अच्छा तो रानी साहब अपना नाम बता दो। मेरा नाम प्रकाश कुमारी। प्रकाश कुमारी। और यहाँ के जो राजा थे उनका? रणधीर सिंह जी। तो आप लोगों ने नाम सुन लिया, और इनके दो बच्चियाँ भी हैं, तो उनसे भी मैं आपको जरूर मिलवाऊंगा। और अभी मैं इस गढ़ सज्जन सिंह के हाथ का बना हुआ है। सज्जन सिंह जी कौन थे रानी साहब, ये बताओ आप। हमारे दादाजी थे। इनके दादाजी थे और छह पीढ़ी पहले दादाजी थे। और तो उन्होंने इस गढ़ का भव्य निर्माण करवाया, बनाया, फिर वो सलेरीपुर का किला बनाया, वो भी इस खंडेला वालों के लिए है ना, और बाग भी बनाया। अच्छा ये सब पुराने का ही है, पुराना। अच्छा रानी साहब ये है, तो रानी साहब ये जो पीछे पिक्चर्स लगी हुई है किन की है फोटो? ये पालकी है। पालकी पे कौन बैठे? सज्जन सिंह जी राजा साहब। और वो जो पीछे हैं ना, वो ऐसे तैयार हुए बैठे खड़े हैं, वो साफा वाफा बांध रखे हैं ना, वो कौन है? वो सब इनकी है। सज्जन सिंह जी की है क्या? वो इनके परिवार की है। परिवार की है, तो मैं आपको सज्जन सिंह जी की ये दिखा देता हूँ पालकी। ये पालकी ये देख लो, गड़े हम दोनों देखने के लिए गए थे हम दोनों। और इनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो रानी साहब ना ये इस तरह से आप देख सकते हो, पूरा महल काफ़ी अच्छा बनाया गया है महल को। और कि युद्ध वगैरह आपके पियर पक्ष में या यहाँ पे जब आपकी शादी हुई थी तब युद्ध वगैरह देखा है? वैसे था नॉर्मल ही है ना। आपसे पहले के टाइम पे मतलब कि युद्ध वगैरह ये होते थे राजाओं के लिए? तो वो तो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई। अच्छा बहुत पीढ़ियाँ हो गई, तो उस टाइम राजा का राज चलता था, उस टाइम की बात है। तो राजा का जो राज तो खत्म आपके आने के बाद हुआ होगा? मेरे पहले हुआ। पहले हुआ था क्या? 70 साल हो गए। 70 साल हो गए। 70 साल पहले। अच्छा ये है, तो रानी साहब यहाँ की कुछ डायरी? अच्छा ये है, तो रानी साहब यहाँ की कुछ डायरिया वगैरह और कुछ तो यहाँ रखे हुए नहीं है क्या, मतलब कि दिखाने के लिए लोगों को? बंदर वगैरह सब बिगड़ा कर देते हैं, यहाँ बंदर वगैरह खराब कर देते हैं, ऐसे बंद पड़ा है। हाँ इसलिए तो ये आप देख सकते हो यहाँ के खिड़की दरवाजे देख लो आप, तो वो के वही है ना। और ये रानी साहब ये पहले के टाइम की है ना? हाँ ये पहले क्या है, ये कोई राजकुमारी है
राजकुमारी है और इसने ये वीणा ले रखी है, ये देख सकते हैं आप। ये सब पुराने हैं, ये कुर्सी टेबल से ये सारे देख लो, काफी। कौन सी ये वाली? हाँ पहले के जमाने की कुर्सी है। हाँ ये वाली टेबल, ये देखो डिजाइन देखो कितनी अच्छी लग रही है इसकी। ये देखो आप डिजाइन देखो इनकी। और अभी आप इसमें थोड़ा अंधेरा सा है, लेकिन देखो पहले के टाइम पे ये जो लालटेन होती थी, ये देखो आप उस टाइम काफ़ी पुरानी लालटेन्स है। और ये जो दीपक होता था उसके ऊपर ऐसे रखने की होती थी, ये है ना, ये देख सकते हैं आप। इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, है ना। और ये चेयर, ये चेयर है पहले के टाइम की, है ना। ये देखो आप टेबल्स कितनी अच्छी डिजाइन के अंदर इसको तैयार किया गया है। और ये संदूक है, ये उस टाइम का बेड वगैरह है, बेड बेड की डिज़ाइन देखो आप। बेड नहीं है, ऐसी चारपाई है, बेड नहीं है, ये देखो आप चारपाई है। ये देखो इसके अंदर निवार डली हुई है ना। और ये पुरानी पिक्चर्स भी लगी हुई है यहाँ। हाँ काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, और इन्होंने कुछ इतिहास भी बताया, हिस्ट्री बताई, जो मैंने पिछली बार नहीं पूछी थी इनसे, लेकिन अब की बार इन्होंने बताई, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ब्लॉगिंग करनी इतनी आती नहीं थी, और अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ आप लोगों के प्यार से। और अभी वो सामने जो गढ़ है, मतलब कि गढ़ के अंदर ही और है, तो वही दिखाऊँ मैं आपको, उसको खोलता हूँ। तो अभी भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और ये देख लो आप, ये पोल है, और इसको मैं खोल के दिखाऊँ आपको मैं इसको ना, ये देखो इस तरह से खोलना पड़ता है, वैसे जोर लगा रहा हूँ। ये क्या है, ये देखो इसके अंदर ये घूम रहे चमकादड़, क्या बोलते हैं इनको, चमकादड़ी बोलते हैं। और ये वाला मैंने पहले शूट नहीं किया था, और अभी मैंने शूट किया है भाई आप लोगों के लिए। देखो मैं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है मेरे को, है ना। और ये देखो इस तरह से, ये पीछे की तरफ कुछ खंडर सा वगैरह हो गया है इनको ही ना। हाँ मैं छत के ऊपर जा रहा हूँ, सबसे ऊपर वाले फ्लोर में पर, और मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँच चुका हूँ, है ना। ये देखो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, और ये देखो यहाँ का व्यू। अच्छा इधर से और भी ऊपर है क्या? हाँ चलेंगे इधर भी। हाँ ये देखो यहाँ की खिड़की दरवाजे, यहाँ से ना देखती थी कि कौन आया है कौन नहीं। और ये देखो हमारा खंडेला भाई, पिछले वाले ब्लॉग में जिसको जिसकी भी भावना को ठेस पहुँची हो ना, तो उसके लिए हम सॉरी, है ना। ये इस तरह से देखो आप, अब ये बंद पड़े हैं, ताले वाले लगे हैं रानी साने। ये यहाँ के डिजाइन देख लो, अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है भैया, आ जाओ ऊपर चले। और नहीं नहीं ऊपर खुला होगा, बंद है क्या, बंद है क्या, इससे ऊपर तक और क्या है, चले भाई। यहाँ ये चमका चमकादड़ बहुत ज़्यादा है भाई, बंद होगा शायद, यहाँ खुली तो है, खुली तो है, चमकादड़ नहीं है वैसे। मच्छी पक जाना कानों के मेरे। ये भाई हम लोग आ गए टॉप फ्लोर पे, जैसे तैसे करके। ये देखो हम टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं अभी भाई, काफ़ी चमकादड़ थी भाई, आप देख सकते हैं मैं टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ यहाँ। और यहाँ का व्यू देखो आप कितना अच्छा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के। पीछे देखो खंडेला देखो आप, है ना। और
काफ़ी खंडले की सबसे ऊंचाई के ऊपर हूँ मैं अभी। ये देखो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। और आप लोग यूं ही प्यार बनाते रहो, सपोर्ट करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मैं आपको खंडेला दिखाता हूँ फिर से। देखो भाई साहब नेचुरल ही है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। बादलों के अंदर भैया ये देखो कितना मस्त है। और ये देख सकते हो आप खंडेला है ना, यहाँ के बादल वगैरह देखो आप खंडेला के। और ये पूरा महल है, यहाँ मैं नहीं आया था पहले, मतलब इस वाले फ्लोर पे नहीं आया था मैं, और अभी मैं आ चुका हूँ। और ये आप देख सकते हो ये हमारा खंडेला है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स, और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। भाई साहब बारिश स्टार्ट हो चुकी है अभी, ये इस तरह से हमारा खंडेला है। और इस व्यवस्था करनी पड़ती है। बंदर बंदर देखो भाई साहब, महल देख लो आप पूरा, ये देखो अंदर तक महल देखो आप। यार यहाँ आते पता नहीं क्या हो जाता है, चेहरे पे अलग से मुस्कान। ये हमारे साथ महल की सफाई चल रही है अंदर, तो ये नहीं में लगे हुए हैं। और महल की सफाई कर रहे हो ना, तो ये देखो आप भाई साहब अंदर तक काफ़ी अच्छा लगा। और जो पहले मैंने उस वहाँ एक रूम से बनाया हुआ एक कमरा है, उसके अंदर एक चेयर थी, मैंने पिछली बार उसको ये बताया था कि जो राजा जी की सिंहासन था भाई, वो सिंहासन नहीं था, उसके लिए हम सॉरी, वो एक बैठने की टहलने की चेयर थी, जैसे हम राजा जी बैठते थे ना आगे पीछे होने होते थे, उस तरह की वो चेयर बनाई हुई थी। और काफ़ी लोगों का मेरे पास कमेंट्स भी आया था कि यार ये चेयर थोड़ी होती, ये सिंहासन थोड़ी होता, भाई उस टाइम नहीं पता था, उसके लिए हम सॉरी। और आप तो बस प्यार सपोर्ट ऐसे बनाते रहो। हमारे खंडेले के चारों तरफ देखो कैसे अरावली पर्वतमाला है, चारों तरफ अरावली पर्वतमाला है। और इस तरह से ये गड्ढ गड्ढ के अंदर ऐसे हम चलते हैं नीचे, और नीचे चलेंगे तो आप ज़रूर देखना। लोग चलो भैया चले। वो डर सा लगता है, आप उसने बनाया होगा। ये देखो लकड़ी का खिलौना, ये इस तरह से देखो लकड़ी का खिलौना है, पहले किसी महापुरुष ने बनाया होगा हमारे जैसे ने, है ना, अच्छा खिलौना है। वो इसमें क्या सामान वगैरह कुछ आइटम्स रखे हैं इसके अंदर, तो इधर से है ना, इधर से, इधर से, हाँ इधर का तो पता है मुझे, वो तो वो ही दिखेगा ना। ये लो ये भवन है, यशवंत भवन है, और मैं निवास है, सॉरी भवन है निवास है। भाई साहब ये मंजे होते हैं ना, पैरों में अलग जाते हैं। और ये देखो आप, इस तरह से ये पूरा, ये देखो आप कितना अच्छा लग रहा है ना, इसलिए ये इस तरह से ग्लास पहले लगाए जाते थे। जाओ तो चले, किसी टाइम पे यहाँ भी कितनी चहल पहल होती होगी, है ना। और पहले का टाइम ही था। ये आप देख लो, और ये तोता गया अभी, तोता ऊपर, हाँ इधर से चले ऊपर के लिए, हाँ नहीं खुला है, मैं पिछली बार जाके आया था ना, खुला है वैसे, अकड़ा या होगा, खुल खोल खोल लो इसको, खुला है, हाँ ऐसे खुल जाएगा, ये देखो पता है मेरे को खुला है, मैं पिछली बार आया था मेरे को सब पता है। इधर वाला पोर्शन दिखा दिया था मैंने पिछली बार, लेकिन अब की बार और शेयर करूँ काफ़ी व्यूअर्स के पास, और मेरा मैसेज जाए, संदेश जाए। और यहाँ भाई बंदरों ने कुछ पहल मचा रखी है, ये देख लो आप, ये वो ही जरोखा है जिसमें आप वेट करते हो और मैं वेट करता हूँ यहाँ तक आने के लिए। तो यह देखो कितना छोटा, ये देखो आप मुकुट महल, मुकुट महल है,
हाँ पता है, मैंने देखा था पिछली बार, दिखाया था मैंने व्यूअर्स को। ये देखो इस तरह से खिड़कियाँ, कितनी सारी खिड़कियाँ इसके अंदर। ये हवा महल के जैसा होता है ना, जैसे यहाँ राजा जी बैठते होंगे, ये फिर हवा चलती होगी ना, क्योंकि सबसे टॉप फ्लोर पे है ना, इसलिए यहाँ कुछ मेन इम्पोर्टेंट ही बैठते होंगे, कोई बैठता होगा तो। ये देखो बादल कैसे गड़ 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 कर रहे हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं चलेंगे। ये देखो आप, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ज़्यादा से शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो नरेश संगीत 743।